हाय एवरीवन, इसके पूर्व हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो द्रविगुण के सात पदार्थों में द्रव्य रसो गुणो वीर विपाक शक्ति रिव पदार्थ पंच तिष्ठन्ति स्वाम स्वाम कुर्वन्ति कर्म च, इसका एक पदार्थ रस हमने पढ़ा था। आज हम जो दूसरा पदार्थ देखेंगे वो है वीर। तो अगर एसएच हम वीर्य के बारे में देखें कि सारी संहिताओं को एक्सप्लोर करें, तो वीर्य का डेफिनेशन या वीर्य का कोई स्वरूप सामने आए ऐसा नहीं मिलता है। कुछ विद्वानों के जो मत हैं उनके आधार पर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस कड़ी में अगर चरक का मत देखें तो चरक कहते हैं एन कुर्वन्ति तद्वीर्यम्, वीर्यम तु क्रियते एनिया क्रिया, जिससे किया जाए उसे वीर्य कहते हैं। कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं, जिससे किया जाए उसे वीर्य कहते हैं। और सुश्रुत वाग्भट इनका भी इसी तरह का मत है और कोई खास उसके बारे में क्लियर हमें व्यू नहीं दिखाई देता है। तो अगर रीसेंट आचार्य आचार्य पीवी शर्मा जी को देखें तो उन्होंने कहा वीर्यम शक्ति क्रिया साधनम, वीर्य क्या है, शक्ति है, और जो द्रव्य की साधन भूत शक्ति के रूप में उन्होंने कल्पना की है। वीर्यम शक्ति इति स्वरूपम क्रिया साधनम इति प्रयोजनम, वीर्य क्या है, वीर्य का शक्ति क्या है, उसका स्वरूप है और क्रिया साधन इसका प्रयोजन है। अब अगर द्रव्य की जो साधन भूत शक्ति है कार्य करने की, उसके रूप में वीर्य की कल्पना की गई है। इसीलिए अगर हम देखें आयुर्वेद शास्त्र में तो वहां पर कर्ता के रूप में चिकित्सक को लिया गया है और करण के रूप में द्रव्य को लिया गया है। लेकिन जब हम द्रविगुण शास्त्र को देखते हैं तो वहां पर कर्ता द्रव्य है और करण वीर्य है। वीर्य के द्वारा ही द्रव्य अपने कर्मों का प्रदर्शन करता है। इसीलिए कहा गया है कि क्रिया की साधन भूत शक्ति वीर्य है, शक्ति वीर्य का स्वरूप है और क्रिया साधन इसका प्रयोजन है। वीर्य इज अ शक्ति पावर और पोटेंसी विच इज द मीन्स ऑफ एक्शन, विच इज द मीन्स ऑफ एक्शन, जो कि क्रिया की का एक करण है, एक साधन है। तो इस तरह से अगर हमने देखा तो शक्ति के रूप में एक कल्पना हमारे सामने आई कि वीर एक शक्ति है। अब अलग अलग आचार्यों के मत को देखते हुए अगर स्वरूप हम निकालें तो उसमें हमें विभिन्न वादों को देखना पड़ेगा। तो ये द्रविगुण शास्त्र में वीर्य के लिए तीन वाद हैं, गुणवीरवाद, कर्मवीरवाद और द्रव्यवीरवाद। गुणवीरवाद में गुण स्वरूप माना गया है वीर को और उसमें दो पार्ट कर सकते हैं हम, एक पारिभाषिक वीर्यवाद, दूसरा बहुवीर्यवाद। पारिभाषिक वीर्यवाद में फिर हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं, अष्टविध वीर्यवाद और द्विविध वीर्यवाद। अष्टविध वीर्यवाद में क्या माना गया कि उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुणों को वीर्य कहा गया, उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुणों को वीर्य कहा गया है। और इसके पक्षधर थे सुश्रुत और वाग्भट, अष्टांग संग्रहकार या अष्टांग हृदयकार। दूसरा आता है इसी में गुण वीर्यवाद, गुण वीर्यवाद के पक्षधर कौन थे, सुश्रुत। वे हर एक चीज को अग्नि शोमी सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार का मानते हैं, शीत और उष्ण, उस आधार पर इन्होंने दो तरह के वीर को माना है। दूसरा स्वरूप अगर हम वीर का देखें तो आता है कर्मवीरवाद। कर्मवीरवाद के जो पक्षधर थे, जो मानने वाले थे, जो विचारधारा के थे वो नागार्जुन थे। नागार्जुन ने कहा कर्म लक्षण शक्ति, कर्म लक्षण शक्ति को वो वीर मानते थे। नेक्स्ट अगर हम थर्ड देखें स्वरूप जो आता है वो आता है द्रव्य रूप, द्रव्य वीरवादी। द्रव्य वीरवादी जो थे वो आधुनिक आचार्य थे। कई आधुनिक आचार्य
जो है वो द्रव्य के कार्मुक अंश को वीर्य मानते हैं। तो और ये आधार कहाँ से लिए? ये आधार शिवदास सेन का लिए। शिवदास सेन ने कहा पंच महाभूतों के साराधिशय रूप अंश को वीर्य कहते हैं। साराधिशय रूप जो अंश है उसको कार्मुका अवयव कहते हैं। कार्मुका अवयव ही वीर्य है ऐसा कहे, जिसका आधार लेकर के इन आधुनिक आचार्य एक्टिव प्रिंसिपल को वीर्य माने। लेकिन अगर हम देखें तो कार्मुका अवयव जो है, द्रव्यांश जो है, वो द्रव्य का ही पार्ट है। ठीक है, तो द्रव्य का पार्ट है तो वो वीर्य नहीं हो सकता, क्योंकि वीर्य क्या है? एक गुण है। वीर्य एक गुण है, वो द्रव्य का पार्ट नहीं हो सकता। इसलिए एक्टिव प्रिंसिपल को वीर्य मान लेना गलत है। ठीक है, द्रव्यांश जो है वो वीर्य का अधिष्ठान हो सकता है, वीर्य का अधिष्ठान हो सकता है। इसको आगे हम देखेंगे, वीर्य संक्रांति जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उस समय हम बताएंगे क्यों ऐसा है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जो सोचते हैं कि क्या होना चाहिए वीर्य के समीक्षा में, तो समीक्षा या कंक्लूजन या निष्कर्ष अगर हम निकालें तो तीनों वाद को देखना पड़ेगा। एक हो गया गुण वीरवाद, दूसरा हो गया कर्म वीरवाद, और तीसरा हो गया द्रव्य वीरवाद। लेकिन कोई भी अपने आप में सही भी नहीं है, बहुत गलत भी नहीं है। इसलिए आचार्य पीवी शर्मा जी कहते हैं कि अगर हम तीनों को मिला दें तो एक वीर के स्वरूप को समझने में मदद मिलेगी। और उन्होंने लास्टली यही कहा कि वीर एक शक्ति है, वीर एक शक्ति है, शक्ति एक उत्कृष्ट गुण है। तो गुण वीरवादियों की भी बात आ गई, चरक की शक्ति की कल्पना भी आ गई। वीर एक शक्ति है, शक्ति एक उत्कृष्ट गुण है, जो द्रव्य के साराधिशय रूप अंश में अधिष्ठित रहती है, जो कार्मुका अवयव में अधिष्ठित रहती है, वो उसका लोकेशन है। तो इस तरह से वीर का एक नया स्वरूप हमारे सामने आता है कि वीर एक शक्ति है, शक्ति एक उत्कृष्ट गुण है, जो द्रव्य के पंच महाभूतों के साराधिशय रूप अंश में कार्मुका अवयव में अधिष्ठित रहती है और वहां रहकर अपने कर्मों का प्रदर्शन करती है। अब इसी कड़ी में हम अगर आगे देखते हैं तो वीर संक्रांति की बात आती है। वीर संक्रांति का मतलब होता है वीर का स्थानांतरण, वीर का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। इस शब्द वीर संक्रांति शब्द को निश्चल करने, रत्न प्रभा जो चक्रदत्त पर निश्चल कर की रत्न प्रभा टीका है उसके 38 पेज पर वीर संक्रांति का वर्णन किया है। ये कोई नई चीज नहीं है, इसके पहले भी आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 3rd चैप्टर में 166 वर्स पे भी गतरस शब्द का च्यवनप्राश प्रकरण में वर्णन किया है। तो वहां पर गतरसत्व शब्द आया है जब आंवला को बॉयल करते हैं, तो जब आंवला बॉयल करते समय निर्वीर्य हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं और जो पोटेंट अंश है उसको हम ले लेते हैं, क्रूड पार्ट फेंक देते हैं और जो पोटेंट अंश है उसको हम ले लेते हैं। तो वहां पर जो लिया गया पार्ट है वो भी तो जो क्वाथ बनाते हैं, चतुर्थांश करते हैं, फिर छान करके जो क्रूड पार्ट फेंक देते हैं और फिल्ट्रेट पार्ट हम लेते हैं, तो उस फिल्ट्रेट पार्ट में भी द्रव्यांश है, द्रव्य तो ही है, तो वो जो शक्ति है वो द्रव्य के साथ गई है। तो द्रव्यांश जो है वो द्रव्य शक्ति का अधिष्ठान है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जो वीर जो है वो शक्ति है, शक्ति द्रव्य को छोड़ के नहीं रह सकती है, क्योंकि वीर एक गुण है, वीर एक गुण है, गुण द्रव्य को छोड़ के नहीं रह सकता, तो द्रव्य के साथ ही गुण जाएगा। तो जो हम सोचते हैं कि ये द्रव्यांश ही एक्टिव प्रिंसिपल है, ऐसी बात नहीं है। वो द्रव्यांश उस वीर का, उस शक्ति का, उस पोटेंशी का अधिष्ठान है। तो ये वीर संक्रांति की कल्पना एक द्रव्य गुण सूत्र में आचार्य पीवी शर्मा जी ने मेंशन किया है,
और ये वीर संक्रांति निश्चल कर में भी आई है, और जैसा कि हमने बताया कि इसका वर्णन चरक में भी आया। अब नेक्स्ट आता है कि वीर की संख्या। अगर वीर की संख्या की बात करें तो जो स्वरूप हमने बताया उसी में ही उसकी संख्या का की बात हो गई है कि ये द्विविध हो सकता है, ये अष्टविध हो सकता है, और ये अनेकविध हो सकता है। और एक नया है जो निमि ने दिया, वो 15 प्रकार की वीर की बात की है। और जो रीसेंट है वो है षड्विध वीरवाद, 6 प्रकार के वीर। इस 6 प्रकार के वीर के कहने के पीछे आचार्य पीवी शर्मा जी का एक मजबूत आधार है। नेक्स्ट जो चरक ने षड्विध उपक्रम बताए हैं, लंघनम ग्रहणम काले रुक्षणम सेनम तथा स्वेदनम स्तंभनम चैव जानीते यह सब वैभिषक, जिनको जानता वैभिषक है। ये षड्विध उपक्रम बताए गए हैं। तो आचार्य पीवी शर्मा सर का ये कहना है कि इन षड्विध उपक्रम को कराने के लिए 6 प्रकार के वीर की आवश्यकता होगी। ये 6 प्रकार के वीर क्या हो गए? गुरु, लघु, उष्ण, शीत, रुक्ष और स्निग्ध। ये जो 6 प्रकार के वीर हैं ये 3 दोषों पे कार्य करते हैं। और कर्म क्या करते हैं? मान लीजिए गुरु वीर है तो ग्रहण करेगा, लघु वीर है तो वो लंघन करेगा, उष्ण वीर है तो वो स्वेदन करेगा, शीत वीर है तो वो स्तंभन करेगा, रुक्ष वीर है तो वो रुक्षण करेगा, और स्निग्ध वीर है तो वो स्नेहन करेगा। इस तरह से ये उपक्रम और वीर का आपस में संबंध हुआ। अब ये इनका दोषों पे प्रभाव भी इसी तरह से होगा। मान लीजिए कि गुरु वीर है तो गुरु वीर किस दोष पे काम करेगा? कफ पे काम करेगा। गुरु वीर अगर हमने प्रयोग किया तो कफ का वर्धन होगा, और लघु वीर प्रयोग किया तो कफ का छपड़ होगा। इसी तरह से उष्ण वीर वाले द्रव्य का अगर हमने प्रयोग किया तो वो पित्त का वर्धन करेगा, और अगर हम शीत गुण वाले वीर का प्रयोग करेंगे तो वो पित्त का छपण करेगा। इसी तरह से वात के लिए रुक्ष गुण वाले वीर का प्रयोग करेंगे तो वर्धन होगा, और अगर स्निग्ध गुण वाले वीर का प्रयोग करेंगे तो वात का शमन होगा। इस तरह से 6 प्रकार के वीर के द्वारा 6 प्रकार के उपक्रम किए जाते हैं। ये ज्यादा आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक है और इसी का की मान्यता ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वीर की उपलब्धि, वीर का हमें ज्ञान कैसे होता है? तो जैसे कि हम पहले भी बताए थे कि रसोद्निपाते द्रव्याणाम विपाकः कर्मनिष्ठया वीर्यम यावद अधिवासात सन्निपातात चोपलभ्यते। वीर का ज्ञान अधिवास और निपात से होता है। निपात माने प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ लगेगा, और वो टच के द्वारा हमें पता चल जाएगा, और अधिवास शरीर में रहने से पता चलेगा। जब हम कोई चीज जैसे काली मिर्ची को लें तो क्या हमने उसको चाहे स्किन पे रखें या जीभ पे रखें, तुरंत हमको उसके उष्ण वीरता का अनुमान हो जाता है। और अगर वो शरीर में गया, इंटरनल यूज में आया है, तो उसकी उष्णता हमें कुछ समय बाद अधिवास के पश्चात पता चलती है। तो ये क्या है कि वीर के ज्ञान का साधन क्या है, उपलब्धि कैसे होती है? तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण से और दूसरा अनुमान प्रमाण से होती है।